प्रिय दर्शकों नमस्कार। नक्षत्र श्रृंखला में आज मैं आपको मूल नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिकाओं के जीवन से जुड़ी बातें बताऊंगा। उनका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में कैसा प्रभाव उनको मिलता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि जो मूल नक्षत्र होता है ये गंड मूल श्रेणी में आता है, यानी इसकी भी जो शांति होती है जन्म काल के समय पर करवाई जाती है, जो मैं मानता हूँ जरूरी भी है, क्योंकि अगर जन्म काल के समय पर इस नक्षत्र की जो शांति है अगर वो करवा दी जाती है तो प्रभाव जीवन में अच्छा मिलता है। और अगर आपने नहीं भी करवाई है तो कोशिश कीजिएगा कि आप सक्षम हो तो इसकी जो शांति होती है विधिवत आप पूरी तरह से करवाएं, और अगर नहीं तो फिर भी आप कम से कम शिव जी की पूजा करते रहे। ये कुछ जरूरी बात थी इसलिए आपको मैंने प्रारंभ में ही कह दी, क्योंकि ये नक्षत्र मूल जो गंड मूल नक्षत्र होते हैं उसकी श्रेणी में आता है, और इसका नाम भी मूल नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है और केतु का प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है। इसलिए जन्म काल के समय जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो उन्हें केतु की महादशा चलती है और केतु का प्रभाव प्रारंभिक जीवन में देखने को मिलता है। वैसे ये नक्षत्र धनु राशि के प्रारंभ में आता है और धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, इसलिए इस नक्षत्र के अंदर गुरु और केतु का मिला जुला संयोग देखने को मिलता है। अब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे तो सामान्यतः क्या देखने में आएगा आपको मैं पहले वो बताता हूँ। केतु के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है तो आप देखिए कि केतु के ऊपर जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तो मन में अस्थिरता और टेंशन का स्वभाव बढ़ जाता है, चंचलता भी बढ़ जाती है और एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका जो केतु होता है वह चंद्रमा को अपने प्रभाव में लेकर के रखता है, जिसके कारण केवल कल्पनाएं करना, अधिक सोचना, जो नहीं होने वाला है वो सोचना, यह प्रभाव कई बार बढ़ जाता है, जिसके कारण अन्य से भी थोड़े से मतभेद होते रहे, अन्य का साथ भी ना मिले, ये बात कई बार अधिक बन जाती है। लेकिन इस नक्षत्र के अंदर केतु और गुरु का संयोग है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये धनु राशि में आता है और इन दोनों का संयोग क्या बताता है कि आप धार्मिक स्वभाव के होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, परोपकार करने के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। तो ये बात इस नक्षत्र की अच्छी होती है कि ईश्वर की आराधना बोल लीजिए, दूसरों के प्रति आप अच्छा कर्म करें, दूसरों का भला करें, ये सब बातें इस नक्षत्र में अच्छी होती है। बस प्रभाव कुछ कमजोर है तो वह केतु का प्रभाव जो आता है वह थोड़ा कमजोर हो जाता है कि वह मन को स्थिर नहीं रहने देता है और आपको थोड़ा चंचल स्वभाव का और कार्य में भी अस्थिरता बढ़ा देता है, वह थोड़ा कमजोर रहता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर शारीरिक स्थिति अगर देखें तो किस तरह की देखने को मिलती है, आपके स्वभाव में क्या परिणाम देखने को मिलता है, और आर्थिक स्थिति, कारोबार की स्थिति, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन किस तरह का होता है और किन वर्षों में जीवन में आपको कुछ परेशानी देखने को मिलती है, इन सभी की मैं जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आइए मैं एक एक करके आपको बताना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस नक्षत्र में जैसे जन्म हुआ है तो किस तरह का सामान्यतः जो स्वभाव या फिर जो शारीरिक आकृति है वो देखने को मिलती है। तो वैसे अगर देखें तो इस नक्षत्र में जन्म होने पर एक आकर्षक व्यक्तित्व देखने को मिलता है, थोड़ा सा चेहरा भी चमकदार हो, विशेष आभा लिए हुए चेहरा देखने को मिलता है, जो अपने चेहरे से, अपनी आकृति से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे, इस तरह का चेहरा देखने को मिलता है। सामान्यतः कद भी अगर देखे तो मध्यम से थोड़ा ऊंचा ही बोल लीजिए, थोड़ा मध्यम के समान ही बोल लीजिए, ज्यादा अच्छी ऊंची हाइट, केवल अन्य ग्रह का जब अधिक प्रभाव हो विशेषकर सूर्य आदि का तो ही देखने को मिलती है, नहीं तो हाइट मध्यम ही होती है, कद सामान्य ही होता है। और कह सकते हैं कि व्यक्ति दिखने में अच्छा, सुंदर और विशेष चमकदार आंखों वाला, विशेष चमकदार उसकी आंखें दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे, चेहरा भी ऐसा ही रहे, ये बात थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक बनावट तो अच्छी होती है लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि अब मैं आपको शारीरिक बनावट बता रहा हूं तो इसी में मैं आपको स्वास्थ्य जोड़ करके बताऊं तो स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। कई बार व्यक्ति थोड़ा सा रोग आदि पर इतना ध्यान भी नहीं देता है, थोड़ी लापरवाही का स्वभाव बढ़ जाता है, विशेषकर पेट संबंधी परेशानी होना,
या फिर आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को जो परेशानी हो वो पकड़ में ना आए, ये बात भी कई बार देखने को मिलती है। शीतजन्य रोग ये भी कई बार बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन आदि हो जाना, ये थोड़ी स्थिति स्वास्थ्य में परेशान करती है, इसलिए स्वास्थ्य में देखने में आता है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहे, जिससे थोड़ा सा उभर पाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि किसी प्रकार से दवा आदि का आपको आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके जीवन को खराब कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योग प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद अब मैं अगर आपके स्वभाव की बात करूं, अगर आपका जन्म जैसे मूल नक्षत्र में हुआ है तो इसके अनुसार आपके स्वभाव में क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर देखें तो मूल नक्षत्र जो है, यह जो नक्षत्र है ये अलग अलग तारों से मिलकर के बना है, जिसके अंदर इसकी आकृति लगभग एक शेर के जो पूंछ होती है, एक सिंह की जो पूंछ होती है उसके समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर आता है। तो इसमें अगर देखें तो आपका स्वभाव, वैसे तो अच्छी बात यह होती है कि एक आनंद पूर्वक रहने वाला, शांत रहने वाला और धैर्य पूर्वक कार्य करने वाला होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मन में अस्थिरता जो रहती है वो आपको एक डिसीजन पर पहुंचने नहीं देती है। आप केवल मन में विचार करते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन उसमें आप एक सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, जो ही आपके पीछे रहने का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर आप किसी प्रकार से अपने इस के लिए जो उपाय आदि करें या फिर जो स्थिति इस तरह की बनती है इसके लिए अपने चंद्रमा को मजबूत करें, तो आप ये निश्चित ही देख पाएंगे कि जीवन में प्रभाव भी अच्छा मिलेगा और आप ये भी बात देख पाएंगे कि उसके चलते जीवन में जो भी स्थिति आपके लिए बननी चाहिए वो अच्छी बनेगी। क्योंकि यही एक प्रभाव ऐसा होता है जो इस नक्षत्र में अधिक देखने को मिलता है और इसी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रह जाता है। तो आप उसको थोड़ा बचाव, उससे बचाव करने के लिए चंद्रमा के उपाय अवश्य से किया करें, भगवान शिव की पूजा किया करें। इसके अतिरिक्त स्वभाव में वैसे अच्छी बातें देखने को मिलती है। आप सभी के मतलब सभी को चाहने वाले, सभी के साथ रहने वाले और कोशिश करते हैं कि सभी से अपने संबंधों को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखिए। वैसे कई बार देखने में आता है कि आप वैसे किसी से झगड़ा करना, विवाद करना नहीं चाहते हैं, आपका स्वभाव शांत रहने का, विनम्र रहने का होता है। लेकिन कई बार आप अगर कोई आपके साथ बुरा करे या कुछ अलग आपको कुछ बोल दे तो आप भी अपना उत्तर जो है बोल करके दे देते हैं, सामने वाले को ताने के रूप में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और आपके स्वभाव में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि आप निडर होकर के अपनी जो बात है सामने वाले के सीधे मुंह पर कहेंगे, जिसके कारण थोड़े संबंध कमजोर हो जाते हैं। आपकी कही गई बातें दूसरों को थोड़ी चुभ जाती है, जिसके कारण मतभेद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आपके लिए इससे कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आप अपने वाणी के द्वारा, अपने लेखन कला के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप वर्तमान में जैसे जीने वाले होते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी सुखों का भोग भी करते हैं और अपनी परिस्थिति को अच्छा करने के निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। कई बार ये जरूर होता है कि भविष्य की आप विशेष चिंता नहीं करते हैं, और अगर भविष्य के बारे में सोचते भी है तो केवल कल्पनाओं में आप अधिक जीते हैं कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ बड़ा हो जाएगा, ये बातें कई बार आपके मन में अधिक चलती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने अगर भविष्य के बारे में आप चिंता तो करें ही, लेकिन सही दिशा में करें और सही प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े तो ही आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। यूं भी आपकी धनु राशि है तो धनु राशि होने के कारण भी जीवन में आपको लक्ष्य प्राप्त करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो आप देखेंगे जीवन में सफलता अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि केतु का प्रभाव आपको किसी भी विषय में गंभीर होकर के सोचने भी नहीं देगा और आपको आगे बढ़ने में भी बाधा उत्पन्न करता देखा जा सकता है, इसलिए उससे बचाव आपको करना चाहिए और सही डिसीजन लेकर के, सही विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, जो जीवन में सफलता के लिए आपके लिए अच्छा रहे। वैसे अच्छी बात यह होती है कि आप अच्छे चरित्रवान, अच्छे ज्ञानवान और मैं कहूंगा अच्छे ईमानदार होते हैं, व्यवसायिक बुद्धि अधिक होती है। कुछ ग्रहों के कारण आप वैसे अन्य कार्य में भी सफल हो जाते हैं, अन्यथा आप स्वयं का कार्य करें, व्यवसाय में आप आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनती देखी गई है। विशेषकर अगर इस नक्षत्र के ऊपर शुभ प्रकार से सूर्य का प्रभाव भी आ जाए तो ये बात भी देखने को मिलती है कि आप उच्च पदों को प्राप्त करें, आप गवर्नमेंट से जुड़ जाए, सरकारी क्षेत्रों में आप चले जाए, गुरु की भी अच्छी अवस्था हो तो आप नॉर्मली देख पाएंगे कि सरकारी जॉब आपकी लग जाए, प्रशासनिक सेवाओं में आप अच्छे उच्च पदों पर रहे, ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि आपका स्वभाव
किसी का गलत नहीं करने वाला, सदैव ईमानदारी से आगे बढ़ने वाला होता है। और ईश्वर में आपकी आस्था अच्छी देखने को मिलती है तो ये भी आपके प्रभाव को अच्छा ही करती है। बस कोशिश करना चाहिए कि अपने बातों पर टिके रहे, जो कार्य आपको समय पर करना है उसको नियमित समय से ही करें और नियम बना करके, नियम कायदे बना करके जीवन में आगे बढ़े तो आप देख पाएंगे कि आपको प्रभाव बहुत अच्छा मिल जाएगा और जीवन में तरक्की भी आपकी निरंतर बढ़ती रहेगी। भाई ये कार्य तो आपको अवश्य से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं कहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि केतु का प्रभाव आने से आपका ध्यान भी अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। कोई एक कार्य आप प्रारंभ करते हैं, अगर उसमें कुछ कमजोर स्थिति लगती है तो आप तुरंत ही अन्य कार्य के विचार में लग जाते हैं। भले ही उसमें आपको लगता हो कि कुछ समय बाद अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा जो धैर्य होता है कई बार उस इस केतु के कारण वो कम हो जाता है। और अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित भी हो जाए तो ऐसे में देखने को मिलता है कि जो जीवन में प्रभाव मिलना चाहिए वो भी कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा धैर्यपूर्वक और अपने चंद्रमा को मजबूत करते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करके नियम कानूनों के साथ चलकर आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उससे आप देखेंगे जीवन सफल भी हो जाएगा और आप सभी प्रकार की सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से अच्छी आर्थिक स्थिति जो होती है अपनी अच्छी कर लेते हैं, अच्छा खासा आप धनार्जन कर लेते हैं, जिससे आपको सभी सुखों की भी प्राप्ति हो और जो भी आपके भौतिक सुख हो आप उनको पूरा कर पाए। लेकिन एक और बात जो इसमें आती है कि आप जितना अधिक धन अर्जित करते हैं उसी मात्रा में उसे खर्च भी करते देखे गए हैं। धन बचा पाने में, धन को रोक पाने में कई बार आपके अंदर कमी देखने को मिलती है। और वैसे कई बार ये भी बनता है कि आपको जो तरक्की मिलती है अपने कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार आदि की जैसे बात करूँ तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपको तरक्की मिलती है वो आपको जन्म स्थान से दूर जाने पर मिलती है। आप अगर जन्म स्थान से दूर रहे, विदेश आदि में रहे, तो भी आप देख पाएंगे कि आपको विशेष रूप से सफलता अच्छी मिलेगी और कार्य आदि भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर भले ही आप कोई नौकरी करें या स्वयं के कार्य के लिए जाए, दोनों में ही अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है। और क्योंकि इस नक्षत्र में बात क्या है कि दोनों का ही प्रभाव आता है और जो कुंडली में ग्रह योग मजबूत हो उसके अनुसार कार्य किया जाए तो ये नक्षत्र सफलता भी दिलाता है। बस कार्य में स्थिर होना चाहिए और मन एक ही दिशा में लगा करके रखना चाहिए तो सफलता अच्छी मिल जाती है। और इसमें एक और बात है कि जो जीवन का शुरुआती समय होता है, आप शुरुआती समय में बोल सकते हैं कि लगभग 32 वर्ष के पहले तक की जो आयु होती है उस समय तक विशेष प्रकार का संघर्ष और मेहनत बनी रहती है। फिर धन प्राप्ति के लिए हो, अपने कार्य के लिए हो या अन्य किसी चीज के लिए हो, आपको अधिक मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इसके बाद देखने को मिलता है कि जीवन में तरक्की भी मिलती है और आप अपने कार्य में स्वयं के बल पर आगे बढ़ते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र में अन्य लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए, वो घर के सदस्य हो, बाहर का कोई सदस्य हो, बाहर के आपके दोस्त मित्र हो, उनका सहयोग कई बार कम मिल पाता है और आप एकांत प्रिय भी कई बार बन जाते हैं और अकेले ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप आत्मनिर्भर बनिए और अपने ही दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही ग्रह योग आपको अपने दम पर सफलता दिलाते हैं। और वैसे मैं ये कहूँगा कि भले ही घर में अन्य सदस्यों का सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपका जो प्रभाव मिलता है वो अच्छा मिलता है और जीवन साथी भी अच्छा मिलता है जो आपको सहयोग करने वाला और सभी प्रकार से आपको साथ देने वाला होता है, जिसके कारण भी स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता ये नक्षत्र बनाता देखा गया है, तो ये बात इसमें मैं कहूँगा आपके लिए अच्छी है। और इसके अतिरिक्त देखिए, आपके लिए जैसे ये नक्षत्र आया है इसमें चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए तो एक और बात आती है कि व्यक्ति नशे का या किसी न किसी प्रकार से किसी गलत लत का आदि हो जाता है। और किसी भी चीज़ का लत लगा लेना, किसी चीज़ का आदि हो जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विशेषकर नशा आदि सहन करने की जो क्षमता अन्य राशियों में, अन्य लग्न में होती है, वो आपके इस नक्षत्र में नहीं देखने को मिलती है। आपके अंदर जो नशा आदि सेवन करने के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो विशेष कमजोर होता है और ये आपको बड़ी परेशानियों में, बड़े रोगों में डाल सकता है, तो उससे आपको बचाव करना चाहिए। क्योंकि बचपन में भी आपका स्वास्थ्य कमजोर ही रहे, किसी न किसी प्रकार से परेशानी ही रहे स्वास्थ्य में, ये बात अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको नशे आदि से और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए तो और सात्विकतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे आप जीवन में सफल हो पाएंगे। बाकी स्थिति आपके लिए 32 वर्ष के बाद से अच्छी बनती है और तरक्की के योग भी बनते रहते हैं। आप अपनी मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं और जितनी अधिक मेहनत करेंगे
उतनी अधिक स्थिति में आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन मेहनत करें तो एक दिशा में करें, तब जाकर के सफलता अच्छी मिलती है। जीवन में आपके लिए जो शुरुआती जीवन में कई बार 27वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 44 और 48वें वर्ष में जो कुछ समय रहता है, ये जो पर्टिकुलर वर्ष मैंने बताए हैं, इन वर्षों में थोड़े स्वास्थ्य में कमजोरी रहे, कुछ आप कार्य बदले जिसके कारण थोड़ी परेशानी आए, ये बातें कई बार अधिक देखने को मिलती है। तो इन वर्षों में थोड़ा सतर्क और सावधान रहा करें तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। वैसे आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो विशेष रूप से आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। एक आप तस्वीर ले आइए या अगर किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां पर पूरा शिव परिवार साथ में हो, शिव जी हो, पार्वती माता हो, गणेश जी हो, नंदी भी हो वहां पर, और जो कार्तिकेय है वहां उनका उनकी प्रतिमा भी हो, तो सभी शिव परिवार के सदस्य वहां पर साथ में आपको किसी फोटो में नजर आए या फिर कहीं पर भी जैसे मंदिर आदि में हो तो उनकी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। और अपने घर में भी जैसे अगर कोई फोटो आदि लगाते हैं तो वहां पर उनको प्रणाम करना चाहिए और अपने तरफ से जो भी पूजन आदि हो सके वो करना चाहिए। तो इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी और कार्य आदि भी आपके अच्छे बनते नजर आएंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप बस ये करिए, बाकी परिणाम आपको अच्छा मिलता नजर आएगा। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो मूल नक्षत्र में प्रभाव होता है ग्रहों का और जिस प्रकार की स्थिति होती है इस नक्षत्र में जन्म होने पर, ये जो बताई है ये आपको पसंद आई होंगी। आप अगर वीडियो को आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी अन्य लोगों को भी प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।